पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है। अच्छा। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है, मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे, मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेप करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो ये है, 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। अब यूक्रेन की जंग हुई है तो उसमें इंडिया ने अपना फ़ायदा ये देखा है कि रशिया ने जो तेल है वो बहुत ही सस्ते दामों इंडिया को बेचना शुरू कर दिया। इंडिया वही तेल सस्ते दामों खरीद के दूसरे ममालक को, जो कि रशिया से तेल लेते थे सस्ता, इंडिया उनको बेच रहा है महंगे दामों। ठीक हो गया, कौन सा कोई कंट्री आपको पता है जिनको बेच रहे हैं? रशिया के साथ मिलकर उन्होंने परमुस मिसाइल बनाया, और अभी उनकी स्टेटमेंट आई है कि भाई ये जो मिसाइल है हम उन्हीं कंट्रीज को देंगे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, मतलब जिनके रशिया के साथ और इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है। आप ये बताएं वो वहां वो इंडिया वो कहते हैं कि अगर ये दो ममालक मजहब के नाम पे अलग हुए थे तो फिर सारे वहां क्यों नहीं चले गए? ठीक है, यानी इंडिया वाले ये कहते हैं, वो ये कहते हैं वहाँ की। आप देखें ना, कई तंजीमें हैं, RSS है, कई तंजीमें हैं, वो इस बात को उस अब बाबरी मस्जिद का वाकया 92 का देख लें, वो इस चीज़ पे का बरमला इजहार करती हैं। आपको पता है, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च भी रखते होंगे कि RSS में कितने मुसलमान भी शामिल हैं, मेंबर हैं। इंडिया IT में कहाँ पहुँच गया? बिल्कुल ऐसे ही दुनिया को सॉफ्टवेयर बेच रहा है भाई। पाकिस्तान पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर होता क्या। आज भी वही पैसे गिनो, घर में सेव करो ना, बैंक में जाओ ना, कुछ करो, वही सारी चीज़। जब इंडिया ने इंडिया का इलेक्शन का सीज़न आता है, वो आखिरी 6 माह पाकिस्तान का मामला उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो भी वोट उस बुनियाद पे लेते हैं। मेरे ख्याल से 1990s में होता था या 80s में होता। अगर आपने किसी बर्तन में कोई चीज़ पकानी है, आपको उस बर्तन को पहले साफ करना पड़ेगा, ये चीज़ सोच को, वरना हर चीज़ उसे क्या करेगी, हर चीज़ गंदी हो जाएगी। आपको अपनी गलती बताएं, पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है, बिजनेस कैसा चल रहा है आपका उसको लेकर? बिज़नेस में आप कुछ नहीं कह सकते, इस टाइम बहुत अप्स एंड डाउन है। आपको जैसे पता होगा कि पाकिस्तान में डॉलर की स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो डेली बेसिस पे आप जो भी लाइक बिज़नेस करता है उसको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी चीज़ स्टेबल ना होने की वजह से बिल्कुल परेशानी का सामना। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, दुनिया की कोई भी कंट्री अगर ग्रो करती है वो टेक्नोलॉजी की बेस पे करती है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है और दुनिया ये मानती है, ठीक है। सेकेंडली, अगर हम बात करें इंडिया की, 1947 में टू नेशन थ्योरी की बात हुई, आज इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया टेक्नोलॉजी में, ब्रह्मोस मिसाइल तो कभी तेजस, तो कभी कोई मिसाइल बना रहा है, हम यहाँ आटे की लाइन में लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह हुई कि हम यहाँ पे आज इस स्टेज पे हैं और वो किस स्टेज पे चले गए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है। अच्छा। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है, मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे, मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेप करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो ये है, 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। और ये उन कंट्रीज को जिनके लिए हम काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हम उन कंट्रीज के लिए बिल्कुल। देखिए, इसके ऊपर जब आपके ऊपर के जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं सारे, जब वो झूठ बोलते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपकी जो कौम है ना, वो उसका जो मोराल डाउन करती है दुनिया, वो बाद में, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल्स में रहना है, आपने जाके लोगों को फेस करना है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं की जाती। हाँ, एक वाइट शख्स आया था इमरान खान, बट उसको भी इन्होंने अपने जाल में फंसा के सब कुछ करके उसको भी निकलवाया, जो इज्जत रही थी वो भी खत्म हो गई बिल्कुल। आपने बोला कि भाई ट्रस्ट नहीं कर रही दुनिया हमारे ऊपर, यही बात है जो देखने में भी आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पे, बिजनेस नहीं उस तरीके, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आ रही, और इसकी यही निशानी है। इंडिया में अभी रिसेंटली हमने देखा है थोड़े दिन पहले कि एप्पल अपना एक स्टोर खोलने चाह रहा है, खोल लिया, हो गया, वहाँ पे टेस्ला की कंपनी मूव कर रही है, हर बड़ी कंपनी वहाँ पे जा रही है। हमारा उन्होंने अपनी बना ली, हमारा फोकस ये है कि हमारी फौज की जो टांग है उनकी टांग से ऊपर जाती है,
बस, और उनका फोकस इस चीज़ के ऊपर है ही नहीं। ठीक है, वो ये चीज़ सोशल मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि भाई हमारा फोकस यह है कि कौन कितनी ऊंची टांग उठाता है, और उन दूसरी कंट्रीज़ का फोकस यह है कि हमने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है। आपने बात की रिलेशंस की, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, कंट्रीज ट्रस्ट नहीं कर रही। इंडिया की बात करें, रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और उन्होंने मिल के ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, जो कि अब वो ना सिर्फ, पहले तो हम जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो भी इम्पोर्ट करते होंगे, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट की तरफ जाने लग पड़े। सर देखिए, पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही खत्म हो जाती है। लाइक अगर आपके पास जब पैसा ही मौजूद नहीं है खरीदने के लिए, तो आप क्या करेंगे? और देखिए, अब जैसे आप बेचने के लिए वैसे कोई चीज मौजूद नहीं। देखिए, अब हमारी यहाँ पे यूथ क्या कर रही है, कुछ जो स्टडीज कर रहे हैं उनको तो सिर्फ स्टडी की तरफ लगाया हुआ ना उन्होंने, कि भाई आप 22 23 साल 24 साल तक अपनी स्टडी मुकम्मल करो, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जाता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता कि यार आप अगर बिजनेस में, अगर आप स्टडी करके बाहर निकलो, वी विल प्रोवाइड यू दिस प्लेटफॉर्म, तो उसके बाद आप यहाँ कुछ ये कर सकते हैं। वो स्कोप तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब वो इशू भी यही है। बात करने का मकसद भी ये है कि हम अपने अपने मसलों में गुम हैं, दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे जा रही है, हम अपनी यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को क्यों नहीं एंगेज कर पा रहे? हम 24 साल 25 साल इवन 30 साल पढ़ते हैं, उसके बाद 25,000 की नौकरी मिलती है, मायूस होते हैं और पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। हम जैसे थोड़े दिन पहले बैठे हुए थे, अब कजन बैठे हुए थे सारे आपस में, हम ये बात कर रहे थे कि इवन कि हम अपना एक मोबाइल पैकेज भी मोबाइल से नहीं निकाल सकते, हमें उसके लिए भी पॉकेट से ही पे करना है, जो 400-500 रुपए बनते हैं हफ्ते के पैकेज के। हम देखो कहाँ पे आके खड़े हो चुके हैं कि दुनिया में डॉलर्स या ऑनलाइन कमाइयां कहां तक पहुंचे, हमें आज तक यही सिखाया गया कि ऑनलाइन है ही फ्रेब। ऐसे ही है, हालांकि वो भी ज्यादातर यहां पे, जैसे अमेज़न आया बंद हो गया या अमेज़न ने पाबंदी लगा दी। अमेज़न भी क्यों बंद हुआ, अगर आपको इसका थोड़ा जाए बैक एंड स्टोरी पे जाए तो यहां पे बहुत ज्यादा लोगों ने उसी के अंदर भी दो नंबरियां शुरू कर दी। अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी, उन्होंने एक मौका प्रोवाइड किया पाकिस्तान को, बट इन दी एंड स्टोरी का एंड यही है कि पाकिस्तान को सिर्फ ना भीख मांगना सिखाया गया, इनको किसी भी अच्छे तरीके से पैसे कमाने आज तक सिखाया नहीं गया और ना ये सीखेंगे। नहीं, पहली बात से मैं एग्री करता हूँ, नहीं सिखाया गया और ना सीखेंगे, इससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि देखें हमने उम्मीद नहीं छोड़नी, मैंने और आपने, हमने मिलकर पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। बात बिल्कुल 100% ठीक है, बट आप मुझे ये बताएं ना, आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, आप उनसे बात करके तो देखें वो करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, अब विजन क्या है, जब एक चीज़ उनके पास है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये, हाँ फिर आप रख सकते हो, फिर आपके जो दूसरी नस्ल होगी ना वो इस चीज़ के ऊपर आके फिर आप देखोगे। यानी अगर आज हम बेहतरी की तरफ जाना चाहें, अपने विजन को ठीक करें, क्लियर करें, तो अगली नस्ल जाके बेहतर हो सकती है, अगली से भी अगली हो सकती है। बट हाँ, अल्लाह करे, पाकिस्तान का अल्लाह अमीन नासिर हो, अच्छे तरीके से कोई अच्छे हुक्मरान मिले, दुनिया पर ट्रस्ट करे, दुनिया अपनी ट्रेड खोले हमारे साथ, फिर जाके कुछ हो सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, आईटी, अब इंडिया आईटी में कहाँ पहुँच गया, दुनिया को सॉफ्टवेयर बेच रहा भाई, पाकिस्तान पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर होता क्या। आज भी वही पैसे गिनो, घर में सेव करो ना, बैंक में जाओ ना, कुछ करो, वही सारी हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है ना, हमें आईटी में जो पढ़ाया जाता है वो आपके सामने। सर आप रटा लगा लें, रटा लगा लें, सिर्फ मैंने आपको वही बताया कि आपको यही सिखाया जाता है कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है, बट आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जॉब या कुछ आप ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं आप कर सके। आप जैसे इंजीनियर बनते हैं, आपको पता है कि यार मैंने एक मशीनरी बनानी है, अब पाकिस्तान में वो मशीनरी बनवाने को आपका सोर्स ही नहीं प्रोवाइड होगा, तो आप कैसे वो बना लोगे? ठीक है, फिर आप बना भी लोगे तो आपको उठा के ले जाएंगे, भाई तूने बना क्यों लिए? ऐसा हुआ भी है कि किसी ने प्राइवेटली हेलीकॉप्टर बनाया, इसके अलावा जहाज बनाया जो कि हमने देखा, इसके अलावा किसी ने ये भी बोला कि मैं पानी से गाड़ी चला सकता हूँ। इंडिया में ना बेसिकली हीरो बनाए जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे जो ऊपर जा रहा होता है ना उसकी टांग पर उसको नीचे गिराया जाता है, वो चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे यूट्यूबर हो, या जो भी हो, वो हर फील्ड में ऐसा की हमायत नहीं करते, बट एज अ नेशन जो अच्छी चीज है उसमें हमायत, उसमें अप्रिशिएट करना, एज अ नेशन देखा जाए उनके लोग अपनी कंट्री के साथ सिंसियर हैं, उनकी यूथ अपनी कंट्री के साथ सिंसियर है, वो बिल्कुल। क्या आप अपनी कंट्री के साथ, मैं अपनी कंट्री के साथ सिंसियर नहीं? सर अब देखिए, मैं भी एक ओवरसीज हूँ, ठीक है, मैं तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान वापस आता हूँ। क्यों? मैंने देखा कि यार जॉब तो ऐसे है कि बस सारी जिंदगी करते रहो, गुलामी करते रहो, उसके बाद आप कुछ भी नहीं हो इंडिया, आप आ जाते हैं। अब बिजनेस हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, बट अब आप अल्लाह भी आपको भी बिजनेस शुरू कराए, आपको भी पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी हर्डल्स आती हैं, कैसे लोग करना पड़ता है। पाकिस्तान में पहले नंबर पे आपका बिजनेस यहाँ पे क्रेडिट पे चलता है, फिर आप किसी को क्रेडिट पे काम करके दे देते हो, फिर आपको रिकवरी में मुश्किल है। क्यों? आपका फिर वो दूसरा सिस्टम जो आ जाता है अदालतों का, पुलिस का, उसके चक्कर काट रहो, अपने हक के लिए लड़ते रहो, टोटली मिस है ब्रदर। देखें जी, ये वो हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में आए, अपनी जॉब छोड़ के आए, यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया, पाकिस्तान की बेहतरी थी एट दी एंड, लेकिन जो उनकी जो एक्सपीरियंस रहा वो आपके सामने है। लेकिन ऐसी यूथ, ऐसी पॉजिटिव माइंडेड यूथ होगी तो शायद पाकिस्तान
बेहतर उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ जा सकता है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के भी डिफेंस के ऊपर बहुत सा, शुरू से हम सुनते हैं, हम अपने स्कूल में, अपने न्यूज़पेपर्स में, अपने मीडिया पे देखते हैं कि डिफेंस पे हमारा ज़्यादा बजट लगता है। आज हम हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करते हैं डिफेंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, कभी चाइना से, कभी यूएसए, मोस्टली हम खुद क्यों नहीं बना पा रहे? जब इतना बजट लगता है, हमारे यहाँ पर इंजीनियर भी हैं, सब कुछ है, तो हम यहाँ पर अपने मिसाइल कुछ जो चंद बनाए हैं उसके अलावा हम क्यों नहीं बना पा रहे? इन दिनों क्यों नहीं सुन रहे या बना रहे हैं तो फिर खुफिया रख रहे हैं? देखें, बात सिंपल इज डेट ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप, हालांकि कहा तो इसको पाकिस्तान जमहूरी है ना, जमहूरियत है, बट डेमोक्रेसी है, बट आप नहीं बात कर सकते। आज मैं आप मेरे बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट आपको कल का नहीं पता ना, आप किसी के बारे में क्या बोलो, और आप कल को कहो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए ले जाएं, आपका कसूर भी कुछ ना हो, बट आप मुखलिस हैं अपनी कंट्री के साथ, आप अपनी कोशिश करते रहें जहाँ तक हो सकती है, आप ना दूसरों के पास जाएँ, अपने सराउंडिंग्स के जो लोग हैं ना, कम अज़ कम उनके अंदर नॉलेज देते हैं कि यार ऐसी चीज़ नहीं होती, ऐसे होती है। ऑब्वियसली फिर उनके आगे भी गैदरिंग्स होती हैं, सब होती है, आपस के जब एक हो जाएंगे ना सब, उसके बाद फिर जब सब इकट्ठे होकर बोलेंगे ना, तभी कुछ हो सकेगा, चेंज जाएगा। सबसे पहले मुझे खुद को चेंज करना है, फिर अपने इर्द गिर्द को चेंज करना है, फिर ही शायद पाकिस्तान, फिर ही शायद मेरी कंट्री चेंज की तरफ जाएगी। अच्छा लगा इनसे बात करके, आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़वाम महमूद। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, अच्छा। टॉपिक की तरफ आने से पहले मुझे बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या था, कि फिर उस हिसाब से हम डिस्कशन करें। मेरा मास्टर है इकोनॉमिक्स में और हिस्ट्री में। हिस्ट्री में भी? जी जी। जबरदस्त, चलें हिस्ट्री के भी टच करेंगे। मुझे ये बताएं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान की पब्लिक को पूछा जाए कि भाई हमारा जो डिफेंस है, हमारा मुकाबला किससे है, या हम किसके लिए अपने डिफेंस को मजबूत करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, तो कौन से कंट्री का नाम आएगा? इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस कंट्री से अलग हुए हैं, इंडिया, उसी का नाम आता है, उसका नाम आएगा। अभी अगर हम हकीकत के ऊपर बात करें, वहाँ पे मिसाइल बन रहे हैं, और ना सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल बन रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से। रशिया के साथ मिलकर उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, और अभी उनकी स्टेटमेंट आई है कि भाई ये जो मिसाइल है हम उन्हीं कंट्रीज़ को देंगे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, मतलब जिनके रशिया के साथ और इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हैं। आप ये बताएं, वो बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी में ग्रो करके, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो या ओवरऑल अगर IT की बात करें, हम मुकाबला तो बड़ा तेज़ी से कह देते हैं या कर लेते हैं, लेकिन अगर हकीकत समझी से बात करें, वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं बात 1947 से मुख्तसरन शुरू करता हूँ कि 23 साल बाद 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुए हैं। उसकी एक मेन वजह जो कि आज तक जिसका मसला रहा है कि हम बने तो इस्लाम के नाम पे थे कि हम, लेकिन हम कौमियत और लसानियत इन बुनियादों पे हम बिखर गए हैं। उस वक्त भी नारा लगा था कि इधर हम उधर तुम। अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, आप बात देखें ना, आपकी बात अपनी जगह बजाय, आपकी अपनी ओपिनियन, टेक्नोलॉजी की बात हुई है, हम फिर हम वहाँ पे इस्लाम को अगर ले आएंगे तो आपको नहीं लगता शायद इसी वजह से हम टेक्नोलॉजी में पीछे रहते हैं? नहीं भाई जान, इस्लाम के, अगर इस्लामी कंट्रीज को देखें तो बांग्लादेश इस्लामी मुल्क है, वो हमसे काफ़ी आगे है। यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो हर चीज़ में इस्लाम को नहीं लेके आता, इस्लाम को वो प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट भी करते होंगे, लेकिन वो जहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ करना है वो हम हर चीज़ में, अभी मैं आपसे कोई भी किसी से क्वेश्चन करता हूँ, टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन का, हेल्थ का, वो इस्लाम को पहले हम ले आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसके ऊपर कुछ, मजहब को हम ले आते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ करते नहीं। एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? बकौल कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हमें एक ऐसी दरसगाह चाहिए, एक ऐसी अमली गाह चाहिए जहां हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। जबरदस्त, ऐसे ही है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक अमली तौर पे एक इस्लामी रियासत है? मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि हम प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और अभी यहाँ पे आप देख लें, कौन सा काम है जो बाकी सब इस्लामी ममालिक का आप मुवाजना कर लें और पाकिस्तान का कर लें, रमज़ान आता है तो वहाँ एक माह पहले सब्सिडी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में जो कि इस्लाम के नाम पे बना था, यहाँ रमज़ान आता है तो एक माह पहले जहीरा अंदोजी शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़हब इस्लाम, मोहब्बत भी हम ही करते हैं, ये भी आप इस चीज़ से भी एग्री करेंगे कि नहीं? कोई शक नहीं। टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आते हैं, ज़ाहरी बात है, मज़हब के हवाले से ज़्यादा डिस्कशन नॉलेज ना होने की वजह से नहीं करनी चाहिए। ये बताएं, टेक्नोलॉजी में हम मुकाबला तो करते हैं इंडिया का, प्रैक्टिकली हकीकत पसंदी के साथ देखा जाए, क्या आज हमारा उनके साथ मुकाबला बन रहा है? हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, क्या वजह उसकी? हम वहाँ के IT सेक्टर को देखें तो पूरी दुनिया में जो इंडियंस हैं वो IT में, IT की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, आप देखे होंगे सुंदर पिचाई, ये
और कई नाम है इस तरह के, बड़े बड़े नाम ये सीईओ रह चुके हैं और है। पाकिस्तानियों का इसमें कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला नहीं है। ये मेरे लिए भी शर्म वाली बात है, नो डाउट मुकाबला होना चाहिए। कॉम्पिटेटिव वे में अगर बात करें, प्रोडक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में बात करें, मुकाबला टेक्नोलॉजी में, आईटी में होना चाहिए। वहाँ पे हम मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे, कौन सी ऐसे इश्यूज हैं कि हम पीछे रह गए, वो आगे निकल के ना सिर्फ आगे बल्कि बहुत आगे निकल गए। हमारा दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात, हमारी फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके जिनको अगर पाकिस्तान अगर फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद रखता है, अगर बिल्कुल इसे एक तरफ जानबदार नहीं कर बायस नहीं हो जाता किसी मुल्क की तरफ, तो फिर ही आगे बढ़ेगा। इंडिया की अगर बात करें, वो रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर है, उसके यूएस के साथ भी ट्रेड चल रही है, इवन चाइना के साथ भी ट्रेड चल रही है। हम एक साइड पे जाते हैं तो बाकी सब साइड को नाराज कर देते हैं। अब यूक्रेन की जंग हुई है तो उसमें इंडिया ने अपना फ़ायदा ये देखा है कि रशिया ने जो तेल है वो बहुत ही सस्ते दामों इंडिया को बेचना शुरू कर दिया। इंडिया वही तेल सस्ते दामों खरीद के दूसरे ममालक को, जो कि रशिया से तेल लेते थे सस्ता, इंडिया उनको बेच रहा है महंगे दामों। ठीक हो गया। कौन सा कोई कंट्री आपको पता है जिनको बेच रहे हैं? यूरोप के कई ममालिक हैं। ठीक हो गया। वहाँ अच्छा, हिस्ट्री की अगर बात करें, जैसे आपने बोला कि आप हिस्ट्री के, आपने हिस्ट्री के अंदर एमए किया हुआ है, मुझे बताएं पाकिस्तान में, सच बताइएगा, पाकिस्तान में जो हिस्ट्री बताई जाती है इंडो पाक की, या फिर वैसे ही ओवरऑल अगर बात की जाए बरसगीर की हिस्ट्री जो बताई जाती है, क्या वो सच बताया जाता है? मैं इसे 100% एक्यूरेट नहीं कहूँगा। कितना कितने परसेंट, मतलब जो बताया जाता है, चार जंगों की बात कर लें, उनमें से हम कितनी जीते, कितनी हारे, किसने जंग स्टार्ट की, इस हवाले से जानबदारी का मुजाहरा किया जाता है। बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं बिल्कुल वो नहीं बताया जाता। हकीकत से दूर रहते हुए हम ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। यही चीज़ है, जब देखें जो नॉलेजेबल इंसान होगा, जिसने थोड़ा बहुत रिसर्च की होगी, वो जानेगा और वो एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, गलती को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात है? या अगर हम अगर आगे बढ़ना है, अगर आपने किसी बर्तन में कोई चीज़ पकानी है, आपको उस बर्तन को पहले साफ करना पड़ेगा, ये चीज़ सोच को, वरना हर चीज़ उसे क्या करेगी, हर चीज़ गंदी हो जाएगी। आपको अपनी गलती को मानना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप आगे बढ़ सकते आगे बढ़ सकेंगे। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा बड़ा बजट जाता है डिफेंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि हम चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं। पहला सवाल यह है कि अपने घर में, मतलब पाकिस्तान में, क्यों नहीं हम बना लेते जैसे दूसरे कंट्रीज बहुत तेजी से अब बनाने लगे हैं? नो डाउट इंडिया इंपोर्ट भी करता है, लेकिन वो बहुत तेजी से एक्सपोर्ट भी कर रहा है, हम ये क्यों नहीं कर लेते? और सेकेंडली, इतना बजट होने के बावजूद भी हम उस तरीके से, उस लेवल पे कोई मिसाइल कोई इस तरीके से लॉन्च क्यों नहीं कर पा रहे? काटन है, काटन अगर कपास है, अगर पाकिस्तान कपास, उसी कपास को बिल्कुल खाम माल के तौर पे बेचने के बजाय उससे गारमेंट्स बनाए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकता है। इसे यहाँ पे फैक्ट्रीज और मशीनें लगानी पड़ेंगी। अगर हम डिफेंस की बात करें तो वो भाईजान हमारी ज़रूरत है, वो ज़रूरत इसलिए क्योंकि हमें बैरूनी से ज़्यादा अंदरूनी मसाइल का सामना है। तो डिफेंस तो बैरूनी के लिए होता है, अंदरूनी के लिए तो होता ही नहीं डिफेंस, मतलब अपने घर के लिए तो डिफेंस नहीं, अपने घर के लिए अवेयरनेस की जरूरत होती है, एजुकेशन की जरूरत होती है मेरे ख्याल से। हमें अवेयरनेस उस तरह की नहीं आई। हाँ। हमें बलूचिस्तान के महाज पे काफ़ी मुश्किल का सामना है, हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर वजीरिस्तान वहाँ, इसलिए हमें डिफेंस के ऊपर, हम वो मुल्क नहीं है कि हमारा बॉर्डर वो फिनलैंड वाला वो बॉर्डर नहीं है कि एक तरफ होटल के उस तरफ वहाँ बैठे हुए हैं बंदे और एक तरफ यहाँ और चाय पी जा रही है और बातचीत की जा रही है। हमारे उस तरह के ताल्लुक यूरोपियन यूनियन में जैसे वहाँ पर है, वो भी आप अगर आप तारीख का मुताला करें, वो भी जो जंगें अजीम होती रही हैं, करोड़ों लोग उसमें मारे गए हैं उनके, वो फिर बैठे हैं, उन्होंने बैठ के सोचा कि अगर हम खुद ही लड़ते रहे तो हम कहीं नहीं जाते। उन्होंने जंगे लड़ के भी आज ये फैसला कर लिया कि भाई इन जंगों का कोई फैसला नहीं है और कोई फ़ायदा नहीं है, और इसके अलावा ये डिफेंस को मजबूत करने के बजाय टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए। हमने भी जंगे लड़ी, लेकिन हमें अभी तक समझ क्यों नहीं आ रही कि भाई ये डिफेंस ठीक है, एक लिमिट तक होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करना है। अगर आप बात करें ना डेमोक्रेसी की, जो कि इन दोनों ममालिक में राइज है, इंडिया पाकिस्तान, तो जब इंडिया का इलेक्शन का सीज़न आता है, वो आखिरी 6 माह पाकिस्तान का मामला उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो भी वोट उस बुनियाद पे लेते हैं। मेरे ख्याल से 1990s में होता था या 80s में होता होगा, अब शायद ऐसा नहीं है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हूँ। अब भाईजान आप वहाँ हिंदुत्व वहाँ ये करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा ये काम हो गया हुआ है। ठीक है। वहाँ वो इंडिया वो कहते हैं कि
अगर अगर ये दो ममालक मजहब के नाम पे अलग हुए थे तो फिर सारे वहाँ क्यों नहीं चले गए? इंडिया वाले वो ये कहते हैं, वहाँ की आप देखें ना कई तंजीमें हैं, RSS है, कई तंजीमें हैं, वो इस बात को उस बाबरी मस्जिद का वाक़या 92 का देख लें, वो इस चीज़ पे कब बरमला इजहार करती हैं। आपको पता है, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च भी रखते होंगे कि RSS में कितने मुसलमान भी शामिल हैं, मेंबर हैं जो RSS के, आपको लगता है कि वो हिंदू तंजीम है? नहीं, हमारे हमारे यहाँ पाकिस्तान से कई लोग गए हुए हैं जो कि वहाँ जाके RSS नहीं, लेकिन वहाँ की शहरियत उन्होंने इख्तियार कर ली है। तो नहीं कहना चाहिए कि वो कहते हैं वापस, ऐसे तो हम यहाँ के अगर मिनॉरिटीज़ की बात करें तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं भी सिंध से होके आया हूँ, मैं आपको वहाँ पे कंडीशन बताऊँ मिनॉरिटीज़ की, जो हिंदू हैं या इस तरीके से इवन लाहौर में जो हिंदू रहते हैं, ईसाई भाई रहते हैं, सिख रहते हैं, अगर कंडीशन बताई जाए क्या आप हकीकत से बता सकेंगे वो कंडीशन? नहीं, कुछ